हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज, जातियों की संकल्पना के अध्ययन के बारे में अध्ययन करेंगे। अब तक वैज्ञानिकों को लगभग 12.5 लाख जंतु जातियों और 7.5 लाख वनस्पति जातियों अर्थात लगभग 20 लाख जीव जातियों के बारे में जानकारी हो चुकी है। और इस जो जातियां हैं वह वर्गीकरण की मूल इकाई हैं, यानी स्पीसीज इज द स्मॉलेस्ट बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। और क्लासिफिकेशन के दो महत्वपूर्ण पहलू हैं, माइक्रो क्लासिफिकेशन और मैक्रो क्लासिफिकेशन। माइक्रो क्लासिफिकेशन के अंतर्गत जातियों का आइडेंटिफिकेशन और उनका निर्धारण किया जाता है, जातियों का निर्धारण किया जाता है। तो आवश्यकता यह हुई कि कौन कौन से लक्षण किसी जीव में प्रत्येक किस्म में पाए जाएंगे, तो उसके आधार पर उसको एक जाति का सदस्य मानेंगे। इस पर सर्वप्रथम कार्य किया जॉन रे नामक वैज्ञानिक ने, यानी जॉन रे नामक वैज्ञानिक ने सन 1693 ईस्वी में सर्वप्रथम जाति की परिभाषा दी। जॉन रे के अनुसार वे सभी जीव जिनकी उत्पत्ति समान तरह के पेरेंट्स यानी समान तरह के जनक से होती है, एक ही जाति के सदस्य कहलाते हैं। यानी वे सभी जीव जिनकी उत्पत्ति समान तरह के पेरेंट्स द्वारा होती है, वे सभी एक ही जाति के सदस्य होते हैं। इसके बाद मेयर नामक वैज्ञानिक ने सन 1942 में भी जो जाति की परिभाषा दिया, उनके अनुसार प्राकृतिक दशाओं में नेचुरल कंडीशन में परस्पर लैंगिक जनन अर्थात इंटरब्रीडिंग द्वारा अपनी जैसी फर्टाइल संतानें उत्पन्न करने वाले जीव एक ही जाति के सदस्य होते हैं। यानी जो मेयर ने परिभाषा दिया कि प्राकृतिक दशाओं में परस्पर लैंगिक जनन द्वारा अपनी जैसी जननक्षम संतानें उत्पन्न करने वाले जीव एक ही जाति के सदस्य होते हैं। वे सभी जीव जो तीसरी परिभाषा दी गई ऑन द बेसिस ऑफ क्रोमोसोम्स, यानी क्रोमोसोम्स के आधार पर जो जाति की परिभाषा दी गई उसके अनुसार ऐसे सभी जीव जिनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम होते हैं, यानी ऐसे सभी जीव जिनमें गुणसूत्रों की संख्या समान होती है एक ही जाति के सदस्य कहलाते हैं। लेकिन यह जो तीनों परिभाषाएं दी गई उसमें कहीं ना कहीं फ्लक्चुएशन हो जाता है, इसलिए कि कुछ ऐसे जीव होते हैं जो पॉलीमॉर्फिज्म प्रदर्शित करते हैं। जैसे मधुमक्खियों में देखिए, जो क्रोमोसोम्स के आधार पर परिभाषा दी गई उसमें फ्लक्चुएशन आ जाता है। क्यों? कि जो इसमें ड्रोन्स होते हैं, जो नर मधुमक्खी होती है वह हैप्लॉयड है, उसमें हैप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी वह अनिषेचित अंडे से विकसित होता है। लेकिन जो श्रमिक मक्खियां होती हैं और जो इसकी क्वीन होती है, जो क्वीन होती है यह फर्टिलाइज्ड एग से डेवलप होती है, यानी इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो होते हैं यह डिप्लॉयड होते हैं। तो यह क्रोमोसोम्स के आधार पर जो परिभाषा दी गई उसमें भी फ्लक्चुएशन आ गया। बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो समान जातियों के हैं परंतु विभिन्न वातावरणीय दशाओं में रह रहे हैं, विभिन्न आवासों में रह रहे हैं। तो इसके आधार पर जो परिभाषा दी गई कि प्राकृतिक दशाओं में जिनमें परस्पर लैंगिक जनन होता है उन वे सभी एक ही जाति के सदस्य होते हैं, यह भी परिभाषा में कहीं ना कहीं फ्लक्चुएशन आ जाता है। जैसे कुछ वैज्ञानिकों ने आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन यानी हाइब्रिडाइजेशन द्वारा जीवों की अलग अलग किस्में प्राप्त किया, जैसे शेरनी और नरचिता से परस्पर हाइब्रिडाइजेशन द्वारा जो संतान प्राप्त की गई उसको कहते हैं ट्रिगलाइन। इसी तरह से गधे और जेब्रा में परस्पर हाइब्रिडाइजेशन से आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन से जो संतान प्राप्त हुई उसको कहते हैं जेब्राइड।
ठीक इसी प्रकार से नर बाघ और मादा तेंदुए में परस्पर हाइब्रिडाइजेशन से जो संतान प्राप्त हुई उसको पैंथोपार्ड कहते हैं। ठीक इसी प्रकार से नर शेर और मादा चीते में परस्पर हाइब्रिडाइजेशन करा करके जो वैज्ञानिकों ने संतान प्राप्त की उसको कहते हैं लाइगर। और अधिक परिश्रम यानी अधिक मेहनत कस जो जंतु बनाया वैज्ञानिकों ने आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन द्वारा, यानी बहुत अधिक बोझ ढोने के लिए बहुत अधिक मेहनत करने वाले जंतु का जो इन्होंने उत्पादन किया यानी पैदा किया जो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन से, उसमें घोड़ी और गधे में परस्पर संकरण द्वारा खच्चर जैसे यानी मूल्स उत्पन्न किया। परंतु यह सभी जीव चाहे वह ट्रिग्लायन हो, जेब्राइड हो अथवा पैंथोपार्ड उत्पन्न किए गए या जो लाइगर हैं या मूल्स हैं, इनको जाति का सदस्य नहीं मानते हैं क्योंकि इसमें अपनी जैसी जननक्षम संतानें उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती हैं। क्योंकि मेयर नामक वैज्ञानिक ने जो जाति की परिभाषा दिया था उसमें उन्होंने कहा था कि ऐसे सभी जीव जो अपनी जैसी जननक्षम संतान उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं वे एक ही जाति के सदस्य कहलाते हैं। तो मेयर द्वारा दी गई परिभाषा में भी कहीं ना कहीं फ्लक्चुएशन आ गया। इस तरह से जो आधुनिक वैज्ञानिक हैं वह इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि किसी एक विचारधारा को लेकर के, किसी एक कसौटी को लेकर के जाति की परिभाषा देना उचित नहीं है, यह संकुचित हो जाएगा। इसलिए वैज्ञानिकों ने सोचा कि इसमें कई कसौटियों से काम लेना चाहिए। तो आधुनिक विचारधारा के अनुसार जो जाति की परिभाषा दी गई उसमें कहा गया, उसमें कई कसौटियां काम ली गई और कहा गया ऐसे सभी जीव जिनमें परस्पर इंटरब्रीडिंग होती हो, नेचुरल कंडीशन में उनमें परस्पर इंटरब्रीडिंग द्वारा जननक्षम संतानें उत्पन्न करने की क्षमता हो। और दूसरी जो उसमें कसौटी काम ली गई ऐसे सभी जीव जिनकी आबादियों में एक ही जीन पूल हो उन्हें जाति का सदस्य मान लेना चाहिए। और इसमें जो तीसरी कसौटी काम में आई मिली गई उसमें यह कहा गया कि इसकी प्रत्येक आबादी में वातावरणीय दशाओं के अनुसार एडाप्टेशन और नेचुरल सिलेक्शन की प्रक्रियाएं सदैव चलती रहती हों उन्हें जाति का सदस्य मान लेना चाहिए। और इस प्रकार से इन नेचुरल सिलेक्शन द्वारा चार्ल्स डार्विन द्वारा दिया गया नेचुरल सिलेक्शन जो थियरी है उसके आधार पर यह सभी जीवों में परस्पर इवोल्यूशन द्वारा नई जीव जातियों के निर्माण की क्षमता हो, अर्थात उसमें स्पेशिएशन होता हो, जो नेचुरल सिलेक्शन द्वारा इसमें स्पेशिएशन की क्षमता हो उन्हें एक जाति का सदस्य माना जाना चाहिए। तो इसमें कई कसौटियों से काम लिया गया कि उनमें परस्पर इंटरब्रीडिंग हो, वह समान जो उनमें परस्पर नेचुरल दशाओं में इंटरब्रीडिंग हो, उनमें उनकी आबादियों में एक ही जीन पूल हो और उनमें नेचुरल सिलेक्शन द्वारा नई इस जातियों के निर्माण की क्षमता हो। तो यह जो कंसेप्ट हमने आपको दिया है मुझे आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि यह कंसेप्ट आपको काफ़ी समझ में आया होगा। थैंक यू।